नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर समेत देश भर में धूमधाम से की गई देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा, लोगों में उत्साह। बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन और एनआर कटाने का सिलसिला जारी, सुल्तानगंज में 79 लोगों ने भरा पर्चा। SIS कंपनी से 2 करोड़ रुपए लूट मामले का SP ने किया खुलासा, लूटे गए रुपए के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। और भागलपुर में मनाई गई प्रसिद्ध उपन्यासकार शरदचंद की जयंती। अब खबरें विस्तार से। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा पूजा को लेकर शनिवार को भागलपुर समेत देश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विश्वकर्मा की धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भागलपुर के रेलवे कोचिंग डिपो, मोजाहिदपुर बिजली ऑफिस समेत विद्युत विभाग के सभी ग्रिड और कार्यालयों के अलावा जिले में अलग अलग जगहों पर प्रतिमा स्थापित कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से की गई। वहीं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा की पूजा कई कल कारखाने, दुकानों और शोरूम के साथ घरों में भी लोगों ने की, जिसको लेकर जगह जगह उत्साह का माहौल देखा गया। रेलवे कोचिंग डिपो में इसको लेकर रस्सा कस्सी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जहां कार्यालय के अधिकारी और कर्मियों ने बाबा विश्वकर्मा को नमन कर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सभी को देव शिल्पी के पूजन की शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जगह जगह पंडाल बनाकर विश्वकर्मा पूजा की गई, जबकि पंडाल में श्रद्धालुओं ने विश्वकर्मा भगवान का जयकारा भी लगाया। साथ ही पूजा अर्चना के बाद दर्शन करने वालों के बीच प्रसाद वितरण किया गया, जबकि कई जगहों पर भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को दूसरे चरण के चुनाव नामांकन में भागलपुर नगर निगम के लिए अपर समाहर्ता कार्यालय स्थित नामांकन केंद्र पर 29 लोगों ने नाजिर रसीद कटाया, जबकि पिछले 2 दिनों में अब तक नगर निगम चुनाव के लिए 5 महिलाओं ने मेयर पद और 2 संभावित प्रत्याशियों ने डिप्टी मेयर पद के लिए NR कटाया है। इसके साथ ही नगर निगम के लिए कुल 135 लोगों ने अब तक नाजिर रसीद कटाया है। इसके अलावा DCLR कार्यालय नामांकन केंद्र में हबीपुर नगर पंचायत चुनाव के लिए शनिवार को 1 मुख्य पार्षद और 1 उप मुख्य पार्षद समेत कुल 18 लोगों ने नाजिर रसीद कटवाया, जबकि 2 दिनों में अब तक नगर पंचायत हबीपुर के लिए कुल 40 लोगों ने नाजिर रसीद कटाया। वहीं 10 अक्टूबर को पहले चरण के मतदान को लेकर सुल्तानगंज नगर परिषद चुनाव के लिए शनिवार को 13 लोगों ने NR कटाया, जिसमें 2 सदस्यों ने मुख्य पार्षद और 1 व्यक्ति ने उप मुख्य पार्षद पद के लिए रसीद कटवाया। इसके अलावा सुल्तानगंज नगर परिषद के अब तक 10 संभावित प्रत्याशियों ने मुख्य पार्षद और 9 लोगों ने उप मुख्य पार्षद पद के लिए सदर SDO कार्यालय में SDO सह निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद समेत पार्षद पद के लिए शनिवार को कुल 34 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जबकि अब तक कुल 79 लोगों ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान SDO कार्यालय परिसर में नामांकन कराने के लिए काफी संख्या में प्रत्याशियों और आसपास में उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ी रही। इधर नगर पंचायत अकबर नगर के लिए सदर SDO कार्यालय परिसर स्थित बनाए गए नामांकन केंद्र अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में भी NR कटाने के साथ काफी संख्या में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। बता दें कि पहले चरण के चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन की अंतिम तिथि है और इसको लेकर समाहरणालय और सदर SDO कार्यालय परिसर के साथ आसपास में प्रत्याशियों की काफी भीड़ जुटेगी, जिसके लिए जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से कई इंतजाम किए हैं, जबकि शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन संपन्न कराने के लिए धारा 144 का पालन कराने की भी तैयारी की गई है। किशनगंज से सटे बंगाल के रामपुर से SIS के कैश वैन से 2 करोड़ 3 लाख रुपए के लूट मामले का टाउन थाना पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। छापेमारी दल का नेतृत्व SP डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू ने किया, जिसके बाद टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल यह मामला SIS के कर्मियों द्वारा रुपये के गायब करने की साजिश का है, जिसकी जाँच करते हुए पुलिस ने इसका खुलासा किया। SP डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूरे मामले को साजिश के तहत अंजाम दिया गया था और फिलहाल 60 लाख रुपये बरामद भी कर लिया गया है,
जबकि 8 लोगों की गिरफ्तारी भी मामले में हुई है। एसपी ने कहा कि एसआईएस कर्मियों ने अपने साथियों को रुपया सुपुर्द कर पुलिस को गुमराह करने का काम किया और एक कहानी गढ़ ली। इस पूरे मामले में गनमैन ड्राइवर एवं अन्य कर्मी शामिल है। एसपी ने कहा कि घटना के बाद 0 एफआईआर दर्ज कर मामले की जाँच की गई और हिरासत में लिए गए ड्राइवर जमील से पूछताछ के बाद उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। साथ ही बताया कि 15 दिन पूर्व ग्वाल पोखर थाना क्षेत्र के रहने वाले सुक्रियुद्दीन के घर पर इसकी पूरी साजिश रची गई थी। ये कोई लूट की घटना नहीं है। एसआईएस कर्मचारियों के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि बंगाल के उनके कुछ कर्मचारी हैं, हमारे सीमावर्ती जिले इस्लामपुर के ग्वाल पोखर थाने के हैं। उन्होंने एक योजना बना ली कि हम अपने कुछ सहयोगियों के साथ हम जब किशनगंज में कैश वैन में कैश लोड करेंगे उसको बंगाल लेके अपने अन्य साथियों को हस्तगत कराकर पुलिस थाने में आकर केस करेंगे कि लूट घटना हो गई, पुलिस को चकमा देने के लिए। तो स्पष्ट है कि ये कोई लूट की घटना नहीं है। एसआईएस के विश्वसनीय जो कर्मचारी हैं, जो कैश वैन के सुपरवाइजर ड्राइवर गार्ड हैं, उन्होंने ही पिछले 15 दिन से ये षड्यंत्र रच रहे थे। तो 13 तारीख मॉर्निंग को उन्होंने ग्वालपोखर थाने से प्रस्थान कर कैश वैन जब यहाँ लोड हुई एकाध एटीएम में यहाँ टाउन में ही जब कुछ आधा कैश डिलीवर कर दिया, उसके बाद चोरी छुपे बंगाल इस्लामपुर ज़िले के चकुलिया थाने में करीबन किशनगंज ज़िले से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे अपने अन्य साथियों को जो शेष कैश था वो हस्तगत करा दिया। इस संबंध में फिर आके हमारे थाने में वो केस रजिस्टर करने आ गए कि हमारे साथ एक लूट की घटना हो गई। भागलपुर के मानिक सरकार घाट रोड स्थित गांगुली बाड़ी में प्रसिद्ध उपन्यासकार और लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती को लेकर शनिवार को बिहार बंगाली समिति बरारी शाखा की ओर से 146वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बारी बारी से अमर कथाकार शरद चंद्र चटर्जी को नमन कर उनकी रचनाओं और व्यक्तित्व के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसको लेकर शरद चंद्र के ममेरे भतीजे शांतनु गांगली ने बताया कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का बचपन भागलपुर में बीता और स्कूली शिक्षा भी भागलपुर के दुर्गा चरण स्कूल में हुई, जिसके बाद वे रंगून गए और बाद में उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के लिए कोलकाता में उन्हें सम्मानित भी किया गया। शांतनु गांगुली ने बताया कि वे अक्सर भागलपुर आते थे और जगधात्री पूजा के साथ कई आयोजन पर शामिल होकर नाटक का भी मंचन कराते थे। इससे पूर्व कार्यक्रम को उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया, जबकि नृत्य की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम में अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर तरुण घोष, राजीव कांत मिश्रा, डॉक्टर जयंत जलत, अमिता कौशिक, देवाशीष बनर्जी, पारस कुंज समेत काफी संख्या में कथा साहित्य से जुड़े लोग और शरद चंद्र के चाहने वाले मौजूद रहे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मेरा नाम अजय कुमार हुआ, घर गोछारी, जिला खगड़िया। मैं किसान हूँ, डायबिटीज पेशेंट एक साल पहले से था। अंग्रेजी दवाई खा रहे थे बेगूसराय से, 200 और 300 फास्टिंग, 200 और टीपी 300 था। तो भोला जी हमको बताए मेरा का था, वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं भागलपुर में, एक राय वहाँ से दवाई खाइए आप ठीक हो जाइएगा, एकदम डायबिटीज संतुष्ट हो जाइएगा बिल्कुल ठीक। तो हम यहाँ भागलपुर से स्टार्ट किए दवाई खाने के लिए। जब से दवाई खाएं, खान पान को नियंत्रण रखते हुए जैसे डॉक्टर साहब बताएं वैसे खाएं, उस दिन से तो डायबिटीज कमते ही चला गया। और एक महीना से दवाई हम नहीं खाएं, कोई भी दवाई नहीं खाने के बावजूद भी सब चावल दाल आलू सब्जी खाते हुए भी अभी डायबिटीज मेरा 125 है। अब मैं इस डॉक्टर से संतुष्ट हूँ और जो डायबिटीज पेशेंट हैं संपर्क कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सिल्क सिटी के युवा नेता रमन कुमार सिंह उर्फ आर्यन सिंह को बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज ने शुक्रवार को प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। आर्यन सिंह पिछले कई सालों से युवा जदयू के विभिन्न पदों पर मनोनीत होते रहे हैं, जबकि इससे पहले वे भागलपुर जदयू सेवा दल की युवा शाखा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं जिम्मेदारी के मिलने पर आर्यन सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्हें जो भी दायित्व दिया गया है उसे वह पूरी निष्ठा और लगन से पूरा करेंगे। आर्यन सिंह ने कहा कि राज्य में नीतीश सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना उन सब की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी युवा मिलकर पार्टी को जमीनी स्तर तक लोकप्रिय बनाने का काम करेंगे। बता दें कि युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकारिणी की घोषणा की है। विभिन्न जिलों के 21 युवाओं को उपाध्यक्ष और 65 युवाओं को महासचिव मनोनीत किया गया है। कैमूर में आकाशीय बिजली गिरने से आधा दर्जन महिला झुलस गई। इस घटना में झुलसी सभी महिलाओं का इलाज फिलहाल भभुआ सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि डॉक्टरों द्वारा सभी की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के खुद पहाड़िया गाँव में घर में काम करने के दौरान सभी महिलाएं आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। बता दें कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के पहाड़िया पंचायत के खुद पहाड़िया गाँव में गरज के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी, तभी आकाशीय बिजली के खंभे पर गिर गई, जिससे घर में काम कर रही कई महिलाएं से झुलस गई, जिन्हें बाद में ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में सदर अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां सभी महिलाओं का इलाज जारी है। घायलों में गुनिया देवी, ज्योति देवी, काजल कुमारी, आरती देवी, बिमला देवी और पूजा देवी शामिल है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर समेत देश भर में धूमधाम से की गई देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा, लोगों में उत्साह। बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन और एनआर कटाने का सिलसिला जारी, सुल्तानगंज में 79 लोगों ने भरा पर्चा। एसआईएस कंपनी से 2 करोड़ रुपए लूट मामले का एसपी ने किया खुलासा, लूटे गए रुपए के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। और भागलपुर में मनाई गई प्रसिद्ध उपन्यासकार शरदचंद की जयंती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।